फूल गुलाबी साज अतिशोभित तापर राजत बाल कृष्ण बिहारी फेंटा गुलाबी पिछोरा रहो भबी फूल गुलाबी रंग अति भारी वाम भाग वृषभान नंदिनी पहरे गुलाबी कंचुकी सारी फूल गुलाबी हस्त कमल में छवि पर कुंभन दास बलिहारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्रीवल्लभाधीश की जय। आज शनिवार 31 दिसंबर 2022 को पोष शुक्ल नवमी है। श्रीनाथ जी में आज 8वीं घटा गुलाबी घटा के दर्शन है। नाथद्वारा में ठंड काफ़ी है और कुछ ही दिनों में गुलाब खिलने प्रारंभ हो जाएंगे, इसी भाव से आज गुलाबी घटा के दर्शन है। गुलाबी घटा निश्चित घटा है, किंतु इसका दिन और क्रम निश्चित नहीं है, इसीलिए आज 8वें क्रम में इस घटा को लिया गया है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि श्रीनाथ जी में विभिन्न रंगों की घटाएं धराने का भाव क्या है। आकाश में वर्षा ऋतु में जिस प्रकार विविध रंगों के बादलों के छाने से या गहराने से जिस प्रकार से घटाएं बनती है, उसी भाव से श्रीनाथ जी में मार्ग शीर्ष और पौष मास में विविध रंगों की 12 घटाएं द्वादश कुंज के भाव से होती है। कई वर्षों पहले चारों युथाधिपतियों के भाव से केवल 4 घटाएं ही होती थी, परंतु गोस्वामी वंश परंपरा के सभी तिलकायत जी ने अपने अपने समय में प्रभु के सुख और वैभव में वृद्धि हेतु विभिन्न प्रकार के मनोरथ किए थे और इन्हीं मनोरथों की परंपरा को कायम रखते हुए नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज श्री ने निकुंज नायक प्रभु श्रीनाथ जी के सुख और आनंद हेतु सभी द्वादश कुंजों के भाव से घटाओं को 4 से बढ़ाकर 12 कर दिया, 8 घटाएं बढ़ा दी और इस प्रकार द्वादश घटाएं जो दूज के चंदा सहित है कर दी, जो आज भी चल रही है। इनमें से कुछ घटाएं जैसे हरी, श्याम, लाल, अमरसी, रुपहली और बैंगनी निश्चित दिनों पर होती है और अन्य कुछ घटाएं जैसे गुलाबी, पतंगी, फिरोजी, पीली, सुनहरी, ये घटाएं ऐच्छिक होती है जो बसंत पंचमी से पूर्व खाली दिनों में ली जाती है। जिन द्वादश कुंजों पर ये घटाएं आधारित है वे द्वादश कुंज इस प्रकार है: अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम्ब कुंज, सीताम्बु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज और नील कमल कुंज। जिस रंग की घटा होती है उसी रंग के कुंज की भावना होती है। इसी श्रृंखला में आज कमल कुंज की भावना से श्रीनाथ जी में गुलाबी घटा होगी। आज सभी साज वस्त्र आदि सभी गुलाबी रंग के होते हैं। सर्व आभरण गुलाबी मीना और सोने के धराए जाते हैं। सभी घटाओं में राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफ़ी जल्दी हो जाता है। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज गुलाबी दरियाई वस्त्र की पिछवाई धराई जाती है तथा गादी, तकिया और चरण चौकी पर गुलाबी वस्त्र की बिछावट की जाती है और प्रभु के स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश को आज गुलाबी दरियाई वस्त्र का सूथन, चोली, गेरदार, वागा, मोजा जी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र भी आज गुलाबी रंग के ही धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में प्रभु श्री जी को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण गुलाबी मीना के धराए जाते हैं। प्रभु के श्रीमस्तक पर गुलाबी पाक के ऊपर सिरपेच, लूम, गुलाबी रेशम के दोहरा कतरा और शीशफूल धराए जाते हैं। ठाकुर जी के श्री हस्त में बाजूबंद, पोची, हस्त सांकला, मुद्रिका, कड़ा इत्यादि धराए जाते हैं। श्री कर्ण में गुलाबी मीना के कर्णफूल धराए जाते हैं। आज 2 दुलड़ा धराए जाते हैं। श्रीकंठ में 4 माला जी धराई जाती है और श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती है। श्रीहस्त में गुलाबी मीना के वेणु जी एवं बेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट गुलाबी आता है और गोटी चांदी की आती है। संध्या आरती दर्शन में बत्तियां बुझाकर आरती की जाती है, जिसमें प्रभु की छटा अद्भुत प्रतीत होती है।
संध्या आरती उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के और श्रीमस्तक के आवरण बड़े कर दिए जाते हैं और शयन के समय छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर लोम तुर्रा रुपहरी धराया जाता है। इन दिनों शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। आइए आज की राग सेवा आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला में कीर्तन पायन परत मुरार, राजभोग में आज नीको बनियो, आरती में छबीले तरुण मदमाते, शयन में सुभग सरोवर, शाम अंग में मान के कीर्तन में हार परीरी मनावत और पौड़वे के कीर्तन में रुच रुच सेज बनाई का गायन प्रभु श्री जी के सम्मुख किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी श्रीनाथ जी के आज की गुलाबी घटा के दर्शन के आनंद लीजिए और आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। श्री वल्लभाधीश की जय।